नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे फिटनेस सीरीज फॉर इंडियन फिटनेस प्रोफेशनल्स के दूसरे भाग। माइंड सेट, अगर आप मुझसे पूछो तो ये जो एपिसोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है। क्यों? क्योंकि ये एपिसोड आपको बताएगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या आपको इस इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे पहले आना भी चाहिए कि नहीं, क्या मानसिकता होनी चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए आप, कैरेक्टर, ये एपिसोड डिसाइड करें। तो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये एपिसोड आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन में हमने इंडस्ट्री के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि ये इंडस्ट्री बाहर से क्या दिखता है, अंदर आकर के क्या मिलता है। देखिए इस इंडस्ट्री में ना ग्लोबली एक ये आप देख लीजिए 93% का ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है, पहले 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं वो बाहर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दिखता है कि बहुत कंफर्टेबल है, कितना अच्छा लाइफ है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं कर रहा हूं, इसमें क्या है, कोई भी कर सकता है, डंबल ऐसे करने में क्या है, करके जुड़ जाते हैं। और फिर जो रूड शॉक मिलता है, डिटेल में हमने बात किया पिछले एपिसोड, करेक्ट। तो अब होता क्या है कि वो अंदर आते हैं, रूड शॉक मिलता है, निकल जाते। कितने लोग 93% 2 साल में टाटा गुड़बाई हो जाते हैं इंडस्ट्री से। तो ये क्यों होता है, हमने इसका मेन रीजन क्या देखा, ठीक है। देखिए हमने देखा कि लव टू वर्कआउट, अब कोई भी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, जब कोई भी इंडस्ट्री को आप सीधे दो इसमें डिवाइड कर दीजिए, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जब आप कहते हो आई लव टू वर्कआउट, आप किधर आते हो, आप इधर आते हो, करेक्ट, लव टू वर्कआउट, करेक्ट, आप इधर आते हो। तो एज अ कंज्यूमर यू एक्सपीरियंस बीइंग ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस द जिम फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री। सेम थिंग अगर आप एक चैंपियन स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, आप एक चैंपियन स्पोर्ट्समैन हो, आप यहां आते हो, आप यहां नहीं आते, आपके लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच लगता है, स्पोर्ट्स कोच लगता है, न्यूट्रिशनिस्ट लगता है, मसाज थेरेपिस्ट लगता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लगता है। यू इन बोथ द केसेस यू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्री एज अ कंज्यूमर, नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। जब आप फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो इस मानसिकता के साथ, आप यहां से यहां आते हो, और फिर अगर आप ये मेंटेलिटी लेके यहां आओगे तो यहां से सीधा भी यहां आओगे, 93% ड्रॉप आउट। देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने कहा मुझे खाना खाने बहुत पसंद है, आई लव फूड, आई लव टू कुक, बहुत पीस मिलता है मुझे कुक करके, और जाकर के एक रेस्टोरेंट डाल देते, वो रेस्टोरेंट का क्या हुआ, करेक्ट, क्यों, खाना खाना एक चीज है, खाना बनाना अपने लिए एक अलग चीज है, उसका रेस्टोरेंट डाल के उसको दूसरों को खिला के बेच के सेल्स करके प्रॉफिट कमाना, कोई सिमिलरिटी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों, बहुत रेस्टोरेंट खुले और बंद हो गए, करेक्ट, वही यहां पर होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डू नॉट एंटर एन इंडस्ट्री फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आप देखिए। तो जब हम इस तरीके से उसको देखते हैं तो हमने जब ये देखा, ठीक है, अभी आपने कहा ठीक है, ओके, एग्री,
ठीक है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूं और इसके अंदर मैं आ रहा हूं, तो वो कौन से गुण होने चाहिए? आई लव टू वर्कआउट, ठीक है, ये रीजन नहीं हो सकता. आई एम अ चैंपियन स्पोर्ट्समैन, ये रीजन नहीं हो सकता. तो वो कौन से रीजन है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले. सबसे पहला, थर्स्ट फॉर नॉलेज. इससे बड़ा रीजन नहीं है कोई. थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है. देखिए, जब आप लव टू वर्कआउट कैटेगरी में आते हैं ना, तो आप क्या करते हो, आप भी पढ़ते हो, आप भी यूट्यूब चैनल्स देखते हो, आप भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, वो इंस्टाग्राम वगैरह से, लेकिन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. समझ रहे, आपका ट्रेनर है, वो तो आपको करा रहा है, लेकिन आप भी जानना चाहते हो, लेकिन अपने वर्कआउट के हिसाब से आप देख रहे हो. जब आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो ना, इट हैज टू बी फ्रॉम द ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू. मींस यू गॉट टू हैव अ ब्रॉड आइडिया. मैं आपको फिर से अपना एग्जाम्पल देता हूं. पूरा दिन पढ़ते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं. यहां पर ही हूं मेरे ऑफिस में, ये देखिए, ये है कहां गया, बायोमैकेनिक्स, ये है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. पूरा दिन यही चलता है. एक बुक डाउनलोड किया, उसके ऊपर नोट्स बनाते बनाते बनाते, अभी तो मैंने बुक भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 बुक बनता है, फिर वो वन बुक गायब हो जाता है. तो मैं ऐसे नोट्स बना बना के अभी फोल्डर में डाल डाल के करता हूं. तो पूरा दिन इस तरह से ब्रॉड नॉलेज लेने का एक आप में थर्स्ट होना चाहिए. एक और एग्जाम्पल आपको दे दो. अभी मैं हुआ पर्सनल ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. आपको योगा करना है, आइए मैं कराता हूं. ताई ची करना है, आइए मैं कराता हूं. आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में 10 किलोमीटर के रन पे जाना है, आइए मैं चलता हूं. क्या बताने की कोशिश कर, मसाज थेरेपी चाहिए, आइए मैं देता हूं. न्यूट्रिशन का डाइट चाहिए, आइए मैं बनाता हूं. क्या बताने की कोशिश कर, थर्स्ट फॉर नॉलेज, मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ जानना है. इसके लिए नहीं कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि मुझे इस नॉलेज का पैशन है. अगर वो अप्रोच है ना आपका, कि आपको इस नॉलेज के बारे में आपको इतना पसंद है, आपके मन से आता है, पैसा हो ना हो, धंधा चले ना चले, आप बस इसी में लगे हो, ये छोड़ के आपको कुछ करना ही नहीं है, यही करते हो तो दिन संतुष्ट लगता है आपको एकदम, तो ये करियर में आइए आप. वरना बस मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने हिसाब से, और बाकी जो भी है ना. फिर ये आपने नॉलेज तो ले लिया, ठीक है, अब ये नॉलेज लेके क्या इसका आचार डालोगे? लव टू टीच, लव टू टीच. जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, सबसे पहले चीज अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे अंदर एक गुरु है, एक टीचर है. क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट यू आर, एक गुरु. कोई भी इंसान जो आपके साथ ट्रेन करता है, सुबह सुबह पहले बात बीवी बच्चों का शकल देखने का छोड़ के, वो पहले आपका शकल देखता है. पति बच्चों का शकल देखने के पहले वो आपका शकल देखती है. इमेजिन अगर एक लड़की अगर आपके पास आके ये कह रही है कि आई एम फैट एंड आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, आई फील लिटिल अगली, क्या क्या भरोसा होना चाहिए उसको आप पे? एक लड़की अगर ये कह रही है, क्या भरोसा होना चाहिए उसको? पता है ये मेरा टीचर है, ये मेरा गुरु है, इसके सामने मैं ओपन अप हो सकता हूं, मैं मेरी कमजोरियां इसको दिखा सकता हूं. ये उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, ये उसको सुधारेगा, ये मेरे साथ कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलेगा. एक बच्चा अगर आपके पास आके कहता है मुझे स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर, उसके मां बाप अगर उसको आपके पास लेके आते, उनको पता है ये एक टीचर है, ये मेरे बच्चे को कुछ सिखाएगा, उसको लाइफ में कुछ बनाएगा, वो दर्जा है आपका. तो क्या आपके चरित्र में, क्या आपकी मानसिकता एक
टीचर, एक गुरु, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का है तो आप इस प्रोफेशन में आएंगे। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। उद्योग जगत के बहुत बड़े व्यक्ति जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके, बैंगलोर में रहते हैं, मैं ऑनलाइन उनका ट्रेनिंग करता हूं। उन्होंने एक दिन सीधा मेरे मुंह पे बोल दिया था, शेरिन, यू नो इट्स नॉट सो मच अबाउट द ट्रेनिंग, इट्स जस्ट दैट यू आर सो पॉजिटिव, यू आर लाइक माय मॉर्निंग डोज ऑफ पॉजिटिविटी। मुंह में बोल दिया था सीधा। ये होना चाहिए, लव टू टीच। आपको अच्छा लगता है दूसरों को सिखाने में, आप जब उनको सिखाते हो आपको लगता है अरे मैंने कमाया कुछ। देखिए एक चीज है ना, आप सीधा ये कर दीजिए, ठीक है, जो भी आप सीखते हो आपका नॉलेज, ये आपका नॉलेज है, ठीक है, इसको आप एनकैश करते हो, ठीक है। तो जब आप लव टू टीच है ना, तो क्या होता है, आपका जो नॉलेज है ना वो सबके लिए है। फिर कोई आया आपके पास कहा अरे यार मेरा ना 3 महीने बाद यार शादी है यार, मेरे को थोड़ा यार पेट कम करना है, मैं फ्री में थोड़ी बता सकता हूं, देखो बॉस ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इसमें मेरा घर चलता है, आपको चाहिए तो आप पैसे, कोई आप किसको ये बोल रहे हो, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, अपने क्लासमेट को ना। अगर ये आंसर है ना आपका, जाके कोई फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में जुड़ जाइए, या जिधर से आए थे उधर ही रह जाइए। आप एक ट्रेनर क्या बन गए, आपके आसपास सबका लाइफ सेट, दोस्त, रिलेटिव्स, सब सब, किसी ने डाइट मांगा ये लो, ट्रेनिंग शेड्यूल मांगा ये लो, जो चाहिए लो, वो होना चाहिए आपका। और फिर व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, आप काम पे लग गए, एनकैश, एनकैश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय कैरेक्टर यू हैव अ वेरी गिविंग हैंड। आपको अच्छा, वो जो आप करते हो ना वो आपका वेल्थ है। बिजनेस में लेके जाके आप जो करते हो वो आप करेंसी कमा रहे हो। करेंसी और वेल्थ में फर्क है। करेंसी वो है जो जीने के लिए लगता है, वेल्थ वो है जो मरने के बाद आप लेके जाते हो। देखना ये फर्क है, ये क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए आपके दिमाग। जीने के लिए करेंसी चाहिए, ये मेरा नॉलेज है, इसको मैं एनकैश कर रहा हूं, क्लाइंट्स वगैरह है आगे। लव टू टीच एंड पीपल लव टू लर्न फ्रॉम यू। लोगों को अच्छा लगता है आपके साथ सीखने, उनको लगता है कि अरे यार इसके साथ जब रहता हूं तो कितना अच्छा ये सिखाता है, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, यू नो मेरा जीवन सुखमय कर रहा है, मेरा फिटनेस इसके वजह से कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा लगता है इससे सीखते हैं। वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अगर ये आप में गुण है, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फिटनेस प्रोफेशनल बनोगे। हर चीज में पैसा 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 करते रहोगे, आओगे ना। ये पॉइंट इसको मैं कैसे पुट अप करूं? ओके, यू हैव अ बॉडी ऑफ अ लेबरर, ठीक है, बॉडी ऑफ अ लेबरर, माइंड ऑफ अ सीईओ। अब बोलोगे ये क्या है, बॉडी ऑफ अ लेबरर, माइंड ऑफ अ सीईओ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो थकते ही नहीं, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वैसा फिजिकल प्रावस है ना अगर आप में, तो आप ये इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब मैं 23 से 30 के बीच में था, ये एग्जाम्पल मैं इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी का एग्जांपल दूंगा तो आप शायद रिलेट ना कर पाओ, लेकिन इसके ये एग्जांपल के साथ आप रिलेट कर सकते हो। 23 और 30 के बीच में आपको पता है मेरा स्केड्यूल कैसे था? सुबह 5 बजे उठता था मैं और मेरा बुलेट डक 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 करके निकलो काम पे। 7 बजे पहला क्लाइंट मेरे घर से कम 15 किलोमीटर दूर पहुंचा, 7 to 8 ट्रेन किया, 8:15 तक आउट। 9 o'clock दूसरा क्लाइंट कम से कम 10 किलोमीटर दूर पहुंचा, उनको ट्रेन।
11 o'clock नेक्स्ट क्लाइंट, एक और 10 किलोमीटर दूर वहां पहुंचा, उनको ट्रेन किया, उनके वाइफ को ट्रेन किया, खाना खाया। नेक्स्ट क्लाइंट 2 बजे 10 किलोमीटर दूर निकलो वापस। ये सब बॉम्बे के धूप में चल रहा है, ठीक है। गया वहां पर, उनको ट्रेन किया, वहां से बाहर आया, कम से कम 20 से 30 किलोमीटर दूर लेक्चर लेने के लिए गया, खड़े हुआ, 2 घंटा लेक्चर लिया, फटाफट बाइक में बैठा। नेक्स्ट क्लाइंट 6 बजे फिर से वापस बैक जा पे आया, वो खत्म किया, घर पे गया, 9 बजे तक जिम, 9 से 10:30 जिम, सोते सोते 11:30-12, 5 बजे अप एंड आउट, संडे टू संडे ये चलता। और संडे को मेरे क्लाइंट, अगर आप मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अगर बाहर आओगे ना, तो वह एक बड़ा होटल दिखेगा, बाबा इंटरनेशनल, तो उसके जो ओनर थे ना विश्व बाबा, उनको मैं ट्रेन करता था, 5 साल उनका ट्रेनर रहा हूं। उनका वीकेंड घर हुआ करता था खंडाला, जो मुंबई से कम 100 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में मैं मेरे बाइक पे वहां पे पहुंचता था, सुबह सुबह वहां पर पहुंचता था, संडे को उनका ट्रेनिंग करता था, वापस बाइक चला के आता था, फिर एक आध क्लाइंट तो रहते ही थे। संडे टू संडे ये चलता था मेरा काम। और इसके बीच में ये नहीं कि वहां पे गया खड़ा हूं, वो फोन देख रहा हूं ना, वेट ट्रेनिंग किसी का किकबॉक्सिंग है, पैड लेके खड़ा हो, ढम 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 उसका चालू है। कभी कोई बोल देगा शरीन लेट्स गो फॉर अ रन, 5 से 10 किलोमीटर सुबह सुबह भागता था उनके साथ बीच पे। ऐसा अगर फिजिकल प्रावस है ना आपका, यू नो, जैसे वो माताड़ी नहीं होते रस्ते में बैठ के पोतता रहता है पूरा दिन, टेलीफोन का केबल घुसा रहा है अंदर, वैसा प्रावस अगर आपका है ना ये इंडस्ट्री में आप चलो, अगर हर 2 दिन काम किया नहीं कि रोज आपका शुरू हो गया, टुडे माय हेड स्पिनिंग, माय स्टमक स्पिनिंग, माय बम स्पिनिंग हो गया, ये इंडस्ट्री में नहीं टिकोगे। बॉडी ऑफ अ लेबरर, माइंड ऑफ अ सीईओ, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जहां पर किसी को भी कभी भी आपको ये कन्विंस करने आप मत देना कि यहां पर आपको परमानेंट जॉब, सिक्योर जॉब, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी ये सब मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला है। हर मैंने आपको क्या कहा था, अनरेगुलेटेड सेक्टर। आपको आपका रास्ता बनाना है, आप ही को आपका सेल्स, मार्केटिंग, अपसेलिंग, क्लाइंट स्ट्रेटेजी पूरा आप ही को बनाना है, आप ही को दिन बर दिन आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यहां पर इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लगे, समझ लीजिए आपको साइन ही ले लिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, वो भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आपको, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाला है। आप कोई 5-स्टार होटल में लग गए, FTC फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहां पे मैं परमानेंट जॉब मिल जाएगा, मैं रिटायर तक यहीं पे अभी बैठा रहूंगा, कुछ भी होगा तो यूनियन मेरे लिए खड़ा होगा ना, कुछ नहीं होने वाला आपका। पैंडेमिक में तो आप देख ही रहे यहां पर क्या हो रहा है फिटनेस इंडस्ट्री का। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां यू हैव टू हैव अ बॉडी ऑफ अ लेबरर, माइंड ऑफ अ सीईओ। ऐसा है इस इंडस्ट्री में सरस निकलोगे आप, ये नहीं है यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। एंड ये जो मैंने आपको बताया ना बॉडी ऑफ, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों लोग इस नंबर के साथ जुड़ जाते हैं। इतना एग्जॉशन हो जाता है ना कि लोग थकान के मारे इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। हाँ, अब अगर आप आज के इसमें सोच रहे हैं मैं तो पूरा ऑनलाइन 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 करूंगा, नहीं होने वाला। इन द एंड ऑफ द डे याद रखिए आप, फिटनेस ट्रेनर बाजू में खड़ा रहता है, स्क्रीन पे नहीं। ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं भी करता हूं, बहुत अच्छा करता हूं, सक्सेसफुली कर रहा हूं, अच्छे अच्छे क्लाइंट है लिमिट पे। इन द एंड फिटनेस ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्पोर्ट्स कोच, एथलेटिक ट्रेनर, ये बाजू में खड़े रहते, स्क्रीन पे नहीं। स्क्रीन पे भी होता है, एक लिमिट होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री हो सकता है, वो आपका मेन प्रोफेशन को रिप्लेस कभी नहीं करेगा, याद रखना है चीज, कभी नहीं करेगा। तो अगर आप में वो फिजिकल प्रावस नहीं है और वैसा दिमाग नहीं है, कैलकुलेटिव अपसेलिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अगर आपका नहीं है, यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। नेक्स्ट, पेशेंस।
patience. If patience is not your virtue, नहीं चलेगा. आज आप आज जो मैं Instagram वगैरह पे देखता हूं, जो कंटेंट आप लोगों के लिए सेल हो रहा है फॉर फिटनेस ट्रेनर्स, डिजास्टर. हाउ टू बिकम अ 7-figure ट्रेनर इन 12 weeks? सीरियसली 12 हफ्ते में आपको लगता है आप 7-figure ट्रेनर बनोगे, यानी महीने का 10 लाख कमाओगे 12 हफ्ते में? कौन सिखा रहा है आपको ये, और ये क्या सीख रहे हैं? 12 हफ्ते में बहुत बड़े ट्रेनर बनोगे आप, रातों रात मिलियनेयर बनना, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट करेंगे आप. फिटनेस स्पेशलिस्ट हो ना, फिटनेस पे ध्यान दो. ये सब पे मैं आपको वीडियोस बना बना के सिखाऊंगा कि आपके दिन में सिर्फ 24 घंटे है, इसमें कितना टाइम किसको एलोकेट करना, कैसे एलोकेट करना, पूरा डिटेल मैं आपको मेरे बिजनेस सीरीज में वीडियोस बना के दूंगा. लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इतना याद रखें, ये जो शॉर्टकट्स आपको सेल कर रहे हैं ना, वो आदमी वो औरत आपको सेल कर रही है, यानी आपसे पैसा लिया, आपको फोर्स चिपका दिया, हो गया. उनका एक टारगेट होता है, दिन में इतना, महीने में इतना, टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में इतने से इतना पैसा होगा, मेरा हो गया. उस ट्रैप में आप फंसिए मत, और इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला है, पेशेंस. ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जहां पर देखिए, किसी को भी आप जब ट्रेन करते हो, उनका रिजल्ट कैसे आता है? अगर आप वो 12-week प्रोग्राम वाले हो ना, तो आपका करियर भी वो 12-week वाला ही बनेगा, फिर 12 हफ्ते का ही करियर रहेगा आपका. किसी को भी रिजल्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, हेल्दी ईटिंग, गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स. That's it. That is it. कोई दूसरा तरीका नहीं. जो भी इंसान ये करेगा, करेक्ट साइंटिफिक वे में करेगा, विथ अ पर्सन हु इज नॉलेजेबल इन इट, जो आपको आपका ट्रेनर जो साइंटिफिक मार्गदर्शन आपको करेगा, उस व्यक्ति को रिजल्ट मिलेगा. कैसे भी 12-week फैट डाइट, रोज एक नया डाइट, कोई भी दवाई सप्लीमेंट कुछ भी डाल के अगर कराने वाला होगा या करने वाला होगा, वही रिजल्ट मिलेगा. पेशेंस. आपके करियर के साथ भी वही अप्रोच रखिए, स्लो एंड स्टेडी, कंसिस्टेंट एफर्ट, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, कंटिन्यूड एड्यूकेशन. ये सारे स्टेप्स अगर आप लेके चलोगे, लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलेगा. हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आज ऑनलाइन के माध्यम से जो काम 10 साल में होता था, वो 6 में हो सकता है, क्योंकि एक्सपोजर मिलना उतना इजी हो गया है. ये जरूर हो सकता है. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, सब जो 12-week में 7-figure ट्रेनर बनोगे, रातों रात करोड़पति बनोगे, ये बनोगे, वो कुछ नहीं होने वाला, ये सब समझ के चलिए आप. तो ये इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है, तो ये सारे गुण आप में होने चाहिए. नाउ, टफ कोच या सॉफ्ट कोच? टफ कोच या सॉफ्ट कोच? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना, जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है, और कोई भी आपका क्लाइंट या स्टूडेंट उस स्टैंडर्ड पे लिव अप नहीं कर पाता, तो आप, अरे क्या है ये, क्या यूजलेस है, कितना टाइम लग रहा है, अरे जल्दी कीजिए ना, देखिए बाकी लोग सब कैसे कर रहे हैं, आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है. अगर ये अप्रोच है ना आपका, आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं रुकोगे. सॉफ्ट कोच, जहां भी आप, जैसे भी आप हो, आप उस लेवल पे आते हो, उससे भी नीचे जाते हो, और वहां से उनको उठाते हो. अगर वैसा आपका कोचिंग का स्टाइल है ना, इस इंडस्ट्री में आप इतना ऊपर आओगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप टफ कोच हो ना, वो डंडा लेके जो खड़े रहते,
मिलिट्री में, पुलिस में, वहां पे भी कोई आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन चलो फिर भी आप चल जाओगे क्योंकि गेट लगा हुआ ना, कोई भाग नहीं सकता वहां से। यहां पे अगर इंडस्ट्री में अगर आप वो करोगे, कोई नहीं टिकेगा आपके साथ। सॉफ्ट कोच के साथ जुड़ेंगे लोग, खुलेंगे आपके क्लाइंट, सीखेंगे आपसे, इंस्पायर होंगे, उठेंगे, टफ कोच से भागेंगे। ये नहीं चाहिए भाई, समझ रहे आप? टफ कोच नहीं बनना, सॉफ्ट कोच बनना है। तो ये आपका कैरेक्टर होना चाहिए, ये आपका मानसिक स्थिति होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, अ सक्सेसफुल कोच। आपके पास थर्स्ट फॉर, यू जस्ट लव टू लर्न अबाउट इट। आप जितना सीखते हो, जितना लेते हो, उतना देते हो। यू नो, वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट इज, यू आर लाइक अ वायर, फ्लोइंग करंट। आप में आता है जाता है, आता है जाता है, आप में कभी रुकता नहीं है। आप वैसे हो, नॉलेज लेते हो, देते हो, उनको भी लेने में मजा आता है, और जब वो लेते हैं और उनसे उससे बेनिफिट होता है, वो आपको वेल्थ लगता है, उससे आप करेंसी भी कमाते हैं। आप एक नॉन स्टॉप घोड़े के जैसे हो, कंटिन्यूस टकराक 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 चल ही रहे हो, आप थकते ही नहीं, रॉ पावर है आप में। दिमाग एक हार्ड कोर एंटरप्रेन्योर का है। आप बहुत ही पेशेंट हो लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप सीखते सीखते, स्टेप बाय स्टेप देखते देखते आप आगे बढ़ते हो। आप एक टफ कोच नहीं, आप एक सॉफ्ट कोच हो, कनेक्ट करके आप सीखते हो, सिखाते हो। अगर ये सारे गुण आपके अंदर है, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल फिटनेस प्रोफेशनल बनोगे। तो ये हमने आज देखा माइंडसेट। मेरा जो अगला एपिसोड है ना, वो है एडुकेशन। अब उसे आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब मैंने एडुकेशन कहा तो आप क्या सोचोगे, ये बताएंगे कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, कहां से करना है, ये ना, वो उसका अगला एपिसोड है, सर्टिफिकेशन। जो अप्रोच मैं आपको एडुकेशन के लिए दूंगा अगले एपिसोड में, आपने कभी नहीं सुना होगा, वो अगेन एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आपको ये समझना है कि मैं ये कहां से दे रहा हूं, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से दे रहा हूं। ये इतना साल एफर्ट्स डाल करके, पढ़ाई करके, यहां तक पहुंच करके मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो आप वो अप्रोच देखना जो अगले एपिसोड में आपको आएगा, एडुकेशन। धन्यवाद।